हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता बिना प्याज और लहसुन के। बैंगन को अच्छे से धोने के बाद मैंने उसको चारों तरफ से कट कर लिया है ताकि अंदर से भी वो भुन जाए। बैंगन को जब तक पकाएं जब तक इसकी स्किन हटने ना लग जाए। मैंने लिए हैं 3 टमाटर, आधा टुकड़ा अदरक का, 4-5 हरी मिर्च और 2 बड़े बैंगन। जब तक बैंगन पक रहा है मैं बाकी की चीज़ें भी तैयार कर लूँगी। 3-4 हरी मिर्च को काटकर मैंने भिगो दिया है पानी में, इससे इनका तीखापन कम हो जाएगा। अभी बहुत गर्म है, मैंने इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दूंगी। मैंने 3 टमाटर कट कर लिए हैं, 4 मैंने हरी मिर्च कट करी हैं, ये मैंने पानी में भिगो दिए हैं, इससे इसका तीखापन कम हो जाता है। आधा अदरक, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 1/2 कढ़ाई को कर लिया है मैंने मीडियम फ्लेम पे तैयार। अब मैं इसमें डालूंगी 3-4 चम्मच ऑयल। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं या फिर सरसों का तेल भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच सेंधा नमक। मसाले आप सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। टमाटर को जल्दी पकाने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक। बहुत अच्छे लोग ये खाते हैं लेकिन हम ये नहीं। ऐसे बनाया कभी?
मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा पानी ताकि अच्छे से पक जाए और थोड़ी सी ग्रेवी भी इसमें आ जाए। मैंने इसको लो फ्लेम पे रख दिया है 10 से 12 मिनट के लिए। बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूँगी क्योंकि इसको ढकने से इसमें मॉइस्चर हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए हल्का हल्का सा बार बार चला। सब्जी बनकर हो चुकी है तैयार। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बैंगन के भरते के साथ मैंने बनाया है खीरे का रायता। 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी। जाम है।